Jai Guruji, Shubhrana Guruji-ga. I started my journey with Guruji in the beginning of 2019 when you know I was there in India. And hum log India mein the and us time pe meri mother-in-law used to follow Guruji but unko kabhi chance nahi mila ki wo bade mandir mein ja sake. Us time pe hum log India mein the to humne kaha ki chalo छतरपुर मंदिर है वहाँ पे जाते हैं और माथा टेक के आते हैं. तो जब हम वहाँ गए तो हमने मंदिर गए, पूजा की, माथा वगैरह टेका, तो वहाँ पे एकदम से मेरी मदर इन लॉ को ख्याल आया कि यू नो बड़े मंदिर जस्ट साथ में ही है, पास में है, तो लेट्स गो ओवर देयर और वहाँ पे भी लोग माथा टेक के आते हैं. सो उस टाइम पे हम लोग गुरु जी को यू नो मैं फॉलो नहीं करता था, नहीं मानता था और मैं किसी ऐसा ऐसी नेचर का था कि मैं किसी भी ऐसा डाइजेस्ट नहीं कर सकता था कि किसी गुरुजी को ऐसे फॉलो करना या समथिंग लाइक दैट, कि ये मेरे माइंडसेट ऐसा नहीं था. सो देन एट दैट टाइम वी वेंट ओवर देयर और वो शिवरात्रि का नेक्स्ट डे ही था एंड हम उधर गए और उस टाइम पे उन्होंने बोला हमें कि आज मंदिर बंद है और आज अलाउड नहीं है आपको जाना, आज आप माथा नहीं टेक सकते हैं. बट उन्होंने हमारे को वहां पे प्रसाद वगैरह दिया एंड हमने प्रसाद खाया, बेर का प्रसाद था वहां पे, मुझे अभी भी याद है. एंड देन उन्होंने कहा कि अगर आपको माथा टेकना है तो आप जस्ट बाहर से ही माथा टेक सकते हैं एंड देन यू कैन गो. एंड अनफॉर्चुनेटली आई गॉट स्टक ओवर देयर इन दिल्ली ड्यू टू दिस एयर स्ट्राइक हैपेंड एट दैट टाइम And then you know something happened within my company and you know problems were created and I got stuck. So एक दो हफ्ते तक मैं फंस गया वहाँ पे और फिर उसके बाद मेरे को मैं US आ पाया. And उस time पे ही you know कि जब मैं फंस गया था और मैं मेरी company में इंटरनली problems चल रहे थे मेरे लिए. So you know कि उस time पे you know कि जैसे मेरी mother in law मुझे push करती थी कि जैसे हम गुरु जी को बोलते हैं तो कई चीजें होती हैं. तो जब हम आखिर में कहीं भी हर जगह फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो हर चीज ट्राई कर लेते हैं. तो इन दिन मैंने उस टाइम पे भी ये सोचा कि अगर गुरुजी सच में हैं तो गुरुजी काइंडली हेल्प मी फ्रॉम हियर कि मुझे यहाँ से आप बाहर निकालिए. तो देन लिटरली नेक्स्ट मोमेंट में ही मेरे को चांस मिला, आई गॉट माई अपॉर्चुनिटी टू कम बैक ओवर हियर एंड हम आए. सो द नेक्स्ट डे जब हम यहाँ पहुंचे तो उसके बाद मैंने कहा मेरी वाइफ के साथ डिस्कस किया एंड आई डिसाइडेड कि जैसे ही मंदिर ओपन होएगा हम यहाँ पे आके माथा टेकेंगे. सो आई स्टिल रिमेम्बर कि जैसे हमने लैंड किया दो दिन बाद संडे था तो हमने हम यहाँ आए और हमने यहाँ माथा टेका और वी स्टार्टेड कमिंग ओवर हियर. जब हम आए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगा, यहाँ पे जिस तरीके से यू नो एक परिवार है, गुरु परिवार है और हम लंगर करते हैं, इट वॉज वेरी डिफरेंट जैसे हम यूजुअल लाइफ जी रहे थे. प्लस आई हैव नोटिस्ड माय सेल्फ कि जब मैं 2019 में यहाँ आना शुरू हुआ एंड नाउ हु आई एम, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट फ्रॉम देयर फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ, स्पिरिचुअली एज वेल एंड पर्सनली माइंडसेट एज वेल आई हैव डेवलप्ड इट अ लॉट. एंड प्रोफेशनली अगर बात की जाए तो मेरी कंपनी में मेरे काम को लेके एंड यू नो मेरी इंटरनल मैनेजमेंट में बहुत इश्यूज थे एंड दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी एंड उस टाइम भी मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था. एंड मुझे ये नहीं पता था कि नेक्स्ट डे मेरे लिए मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, इट वॉज दैट टफ. So, you know, I was trying since the beginning, like मैं 2019 में जब आया US तो उस दिन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था जॉब एंड एवरीथिंग. बट कहीं पे भी बात बनती थी, बन के एंड में हो जाता था, कई बार कैलिफोर्निया में भी हुआ, हर जगह हुआ, एंड मोमेंट में सब कुछ हो रहा था और एंड मोमेंट में जाके होता कि यू नो कि इट्स नॉट गोइंग थ्रू. सो बट रिसेंटली इन अभी कुछ महीने पहले सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड शायद ये गुरुजी ही चाहते थे कि यू नो आई शुड स्टे इन न्यू जर्सी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अदर कंपनी एंड यू नो के आई स्विच टू अनदर कंपनी. सो शुक्राना गुरुजी फॉर दैट. एंड विद दैट गुरुजी आल्सो ब्लेस्ड अस विद यू नो हमने जस्ट रिसेंटली एक घर क्लोज किया है. So with all Guruji's blessing, we were able to do that.
एंड लकीली इट वॉज द सेम डे जब मेरे जिस दिन मेरे घर की क्लोजिंग थी सेम डे आई ज्वाइन द न्यू कंपनी एंड या मीन्स आई एवरी डे आई से दैट आई एम ब्लेस्ड विद गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड आई शुक्रान टू हिम एवरी टाइम एंड आई वुड लाइक टू से ओनली वन थिंग कि जो सब सबको आई थिंक सो सत्संग में हम लोग कहते हुए सुना है कि गुरु जी कई बार हमें टेस्ट करते हैं कई मोमेंट्स में टेस्ट करते हैं काफी डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं द ओनली थिंग वी हैव टू बी देयर वी हैव टू स्टे देयर एंड स्टे स्ट्रांग एंड हमारी फेथ उस टाइम पे तो गुरु जी शायद हमारी टेस्ट कर रहे होते हैं और वी हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड अपनी फेथ हमारे गुरु जी की तरफ बनाए रखनी चाहिए यही मैं कहना चाहूंगा एंड कोविड सिचुएशन में भी गुरु जी ने मोस्ट ऑफ आई थिंक सो जितने भी संगत हैं सभी सेफ हैं आई थिंक सो सभी सेफ रहे फ्यूचर में भी एंड शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग थैंक यू